जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल रमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं हाइट को लेकर के, जो यूपी पुलिस में हाइट जो चाहिए होती है उसको लेकर के, क्योंकि काफ़ी लोगों की कम हाइट है तो उनको डाउट रहता है कि हमारा जो है हाइट जो है क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाइट कम तो नहीं होगी। तो ऐसे छोटे छोटे और भी जो डाउट हैं सारे क्लियर करने वाले हैं। वैसे मैं हाइट के ऊपर जो एक प्रॉपर वीडियो पहले बना चुका हूँ, जो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। और हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी, और वो वीडियो लगभग मैंने 1 साल पहले बनाई थी, लेकिन अभी भी चल रही है वीडियो, तो काफ़ी कमेंट आती रहती है उस पर भी। तो उनमें कमेंटों को जो मैंने देखा है, और भी अदर वीडियो पे भी कमेंट आई है हाइट को लेकर के, जो कुछ पॉइंट है तो उनको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। ठीक, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हाइट जो मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और वहीं अगर गर्ल्स की बात करी जाए तो 152 सेंटीमीटर हाइट जो मांगी जाती है गर्ल्स के लिए। तो आप में से बहुत से भाई बहनों को जो थोड़ा डाउट रहता है कि हमारी हाइट एकदम घर पे नाप रहे हैं, घर पे हमारी जो एकदम फिक्स बैठ रही है 168 सेंटीमीटर बैठ रही है, 152 सेंटीमीटर बैठ रही है, लेकिन डाउट होता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारी हाइट जो वहाँ पर अगर सही बैठेगी या नहीं बैठेगी, है ना, इस चीज़ को लेकर के डाउट होते हैं आप सभी के। तो मैं आपको बताऊँ कि जो आपकी रियल में हाइट होगी वही वहाँ नापी जाएगी, जो ऐसा नहीं होता। अब काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि घर पे नापते हैं वो हाइट और वहाँ पे नापते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है, कि वहाँ जाता है अंतर जो है वहाँ पे कम क्यों बैठाते हैं। तो देखिए वहाँ पर हाइट कोई कम नहीं बैठाता है, हाइट बस नापने का तरीका होता है कि आप घर पे किस तरीके से नाप रहे हैं और वहाँ किस तरीके से नापी जाती है। ठीक है, वहाँ कोई हाइट गलत नहीं नापी जाती। और वो जो डाउट रहता है किस वजह से जो हाइट कम रहती है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं आप सभी को कि हाइट का जो अंतर आता है वो किस तरीके से आता है। तो देखिए जब हाइट हम घर पे नापते हैं तो हम जो नापते हैं वो ये ऊपरी हिस्सा जो है ऊंचा जो दिखाई देता है हमारे सिर पे, हम इसको नापते हैं अपने घर पे इस वाले हिस्से को। तो जो ऊंचाई वाला हिस्सा जो नापेंगे तो कुछ ना कुछ 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा हाइट बैठेगी आपकी जो है, है ना। लेकिन जब मापतोल होती है फिजिकल के दौरान तो ये ऊपरी हिस्सा से जो हाइट का मापतोल नहीं की जाती है, है ना। जो वहाँ पर जब फिजिकल वगैरह में जब नापेंगे हाइट आउट की जो है, तो वो यहाँ पे ये जो ये वाला निचरा वाला ये वाला सिरा है यहाँ पर फीता लगता है, यहाँ पर हाइट लगती है। तो एक बार आप यहाँ पर ये निचले वाले हिस्से पर जो अपनी हाइट को नाप कर देखना कि कितनी बैठ रही है, वही हाइट आपकी वहाँ बैठेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ फीते में कुछ कमी होती है। भाई वहाँ फीते में कमी क्यों करेंगे वो लोग, ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ के फीते में कुछ अंतर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, फीता सबका सेम होता है। लेकिन मेन अंतर जो आता है वो वही आता है जो घर पे आप नापते हैं, ऊपरी हिस्से को नापते हैं जो ऊंचा दिखाई देता है, आप लोग समझते हैं कि हमारी हाइट जो इतनी है, है ना। आप लोग देख रहे हैं कि हमारी हाइट जो है यहाँ पर 170 सेंटीमीटर बैठ रही है, लेकिन यहाँ पे नापेंगे तो वो थोड़ी कम बैठेगी, 169 बैठ जाए, 168 बैठ जाए, ऐसा होता है। ठीक है, तो हाइट का अंतर जो आता है सिर्फ इसी वजह से आता है, एरिया के ऊपर कि आप किस एरिया पे जो है अपनी हाइट का मापन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी हाइट को लेकर के। और जो भाई बहन जो कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि मेरी 167.5 सेंटीमीटर है, क्या मेरा होगा या नहीं होगा, 168 सेंटीमीटर फिक्स है, क्या होगा या नहीं होगा, तो मेन चीज़ वही बताई मैंने आप लोगों ने, घर पे नापी हुई हाइट है ये। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है आप जो बिल्कुल भी घबराए नहीं कि हमारी हाइट सही बैठ जाएगी या नहीं बैठेगी वहाँ पे। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन अगर आपको लग रही है कि हाइट कम बैठेगी या नहीं बैठेगी, उस चीज़ को बाद के लिए छोड़ दीजिए। जो उससे पहले तुम्हारा करने का काम है आप वो तो करिए ना, ऐसा जो आपका काम है वो करिए, वो उनका काम है वो वहाँ पे देख लेंगे जो है। ठीक है, ज़्यादा ही कम है तो बात एक अलग है कि 168 सेंटीमीटर मांगे आपकी 166 है, 165 है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर थोड़ी बहुत कम है, 167 है, 167.5 है, तो इसमें थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि हाँ भाई तुम्हारे नापने में गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ पर नापने का तरीका अलग होता है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देख करके घबराएं नहीं। और एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरा यूपी पुलिस एसआई वाला जो था उसमें फिजिकल में फिट हूँ, मेरी हाइट 6 बैठी थी वहाँ पे, तो अभी यूपी पुलिस उसमें जो है
कॉन्स्टेबल वाले में हाइट जो है सही बैठ जाएगी या नहीं बैठेगी। तो देखिए आप यूपीएसआई वाले को क्लियर करके आए हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी आपकी हाइट वगैरह क्लियर बैठ जाएगी, और इस चीज़ को लेकर के डाउट ना ले। और बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है अगर आपको पसंद आती है या आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई आप लोगों के कोई डाउट क्लियर हुए हैं, अच्छा लगा या नहीं लगा है। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को वहाँ ज़रूर शेयर करना जिस भाई बहन को जो है हाइट से लेकर कोई भी डाउट है, तो वहाँ अपने नज़दीकी जो भी हैं आपके साथी हैं तो उनके पास वीडियो को जरूर शेयर करना। और मैंने जो पहले वीडियो बनाई हुई थी उसको भी देख लेना एक बार जो है, वैसे मैं आई बटन में दे चुका हूँ, और फिर मैं एंड स्क्रीन पर भी वीडियो का लिंक जो दे दूंगा तो आप वहाँ से भी जा करके उस वीडियो को देख पाओगे। तो जो कुछ डाउट उसमें रह जाएंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। आप दोनों वीडियो को देखना जरूरी, ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।